ये बात शोभा नहीं देती। मैंने तो किया है इसके तक लेने के लिए, ईमानदारी से क्षेत्र की जनता के लिए ईमानदारी से काम करने का पूरा प्रयास किया है। आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उसमें फूट फूट कर रोते हुए नेता का नाम है रघुनाथ मालवीय। रघुनाथ मालवीय मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की आष्टा विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं, लेकिन इस बार जब बीजेपी ने अपनी पांचवी लिस्ट जारी की तो मौजूदा विधायक रघुनाथ मालवीय का टिकट काट दिया। रघुनाथ मालवीय का टिकट काटते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल सिंह को बीजेपी ने सीहोर से प्रत्याशी बनाया। उसके बाद मौजूदा विधायक रघुनाथ मालवीय ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान टिकट कटने पर उनका दर्द छलक पड़ा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनके आंखों में आंसू आ गए। मालवीय ने कहा कि मैंने हमेशा लोगों की सेवा की है, कार्यकर्ताओं की सुनी है, ईमानदारी से क्षेत्र की जनता का काम किया है, फिर भी मुझे टिकट नहीं मिला। अब रघुनाथ मालवीय का रोते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये बात शोभा नहीं देती। मैंने तो किया इसके लिए ईमानदारी से क्षेत्र की जनता के लिए ईमानदारी से काम करने का पूरा प्रयास किया है। कोई भी कार्यकर्ता का मोबाइल अगर मेरे पास होता है तो मैं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की पांचवी लिस्ट सामने आने के बाद से ही घमासान मचा हुआ है। कई जगहों पर प्रत्याशियों का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं मौजूदा विधायकों के टिकट कटने से भी कई नेता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आष्टा में बीजेपी उम्मीदवार के मुद्दे को लेकर बीजेपी दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। आपको ये भी बता दें कि गोपाल सिंह कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्हें टिकट दे दिया गया, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए गोपाल सिंह को टिकट दिए जाने से विधायक रघुनाथ मालवीय के समर्थक विरोध जता रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए आष्टा सीट पर प्रत्याशी बदलने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हमारे नेता लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो कांग्रेस को छोड़कर आए उसे टिकट दे दिया गया। कार्यकर्ताओं ने चुनौती देते हुए कहा है कि इस पर विचार नहीं हुआ तो हम नोटा का उपयोग करेंगे लेकिन वोट नहीं डालेंगे। आष्टा विधानसभा से गोपाल सिंह 2018 के चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी थे और उनको हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले भी कांग्रेस के टिकट पर वे चुनाव लड़े लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। गोपाल सिंह पिछले साल कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया था और इसके साथ ही अब बीजेपी ने गोपाल सिंह को एक और बड़ा तोहफा देते हुए आष्टा से ही अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज तक।